अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। तो आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ और ओरिफ्लेम स्टार्टर किट के बारे में। लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी अपने पार्सल के बारे में, जो मैंने पार्सल रिसीव किया था उसके साथ मुझे ये स्टार्टर किट भी रिसीव हुई थी, लेकिन स्टार्टर किट के बारे में मैंने आपको कम्प्लीट डिटेल नहीं दी थी। आज हम उसकी कम्प्लीट डिटेल आपको देंगे, इसका सक्सेस प्लान क्या है वो भी बताएँगे, लेकिन उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है, और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। स्टार्टर किट कुछ इस तरह से दिखती है। अब ये देखें, यहाँ पे इसका ओरिफ्लेम का सक्सेस प्लान है, वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। और इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, टुगेदर टुवर्ड्स टुमारो, यानी एक साथ चलोगे आगे बढ़ो, इसका ये मतलब है, ठीक है। आप अकेले आगे नहीं बढ़ सकते, इसके अंदर टीम वर्किंग होती है, टीम के साथ ही आगे बढ़ना होता है। ओरिफ्लेम एक स्वीडन का ब्रांड है और इस वक्त 65 कंट्रीज़ में ये काम कर रहा है और पाकिस्तान में भी ये बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। स्टार्टर किट में जैसे हमें ये कैटलॉग मिल जाती है, आपको मैंने दिखाया था, ये स्किन केयर गाइड है, ये आपके पास होना लाजमी होती है। इसके अंदर आपको स्किन केयर के बारे में सब कुछ बताया जाता है, आपकी किसकी स्किन टाइप है, क्या नहीं है, और स्किन टोन है, रेडनेस, हाइड्रेशन, ये सब कुछ आपको सिखाया जाता है इसके, ये आपके पास होना लाजमी होती है। और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, इसके अंदर नौ एज का जैसे सीरीज़ है, नौ एज मतलब आपका जैसे नौ एज यानी एंटी एजिंग सीरीज़ है, ये सब कुछ आपको इसके अंदर डिटेल में मेंशन किया हुआ है प्रोडक्ट्स के बारे में, ठीक है। इसके बाद कॉस्मेटिक को अपनी ज़रिया आमदनी बनाएं, ये एक आपको ये मिल जाता है। इसके अंदर भी आपको बताया जाता है कि ओरिफ्लेम में किस तरह आप कामयाब हो सकते हैं, आप किस तरह लाइफ को इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि इसके प्लान्स क्या हैं, ये आपको एक शॉर्टकट में आपको बताया गया है। स्किन केयर है, खूबसूरत नज़र आई है आप, यानी आप खूबसूरत भी नज़र आएँ और इसके साथ बिजनेस भी करें, ये सब आपको इसके अंदर बताया जाता है। और इसके अलावा आपको ये ब्रांड पार्टनर गाइड दी जाती है। अच्छा, तो स्टार्टर किट हमें क्यों लेनी चाहिए? स्टार्टर किट जब भी हम फर्स्ट ऑर्डर करते हैं उसमें हमें ये किट लाजमी मिलती है, ऑटोमेटिकली हमारे साथ ऐड होती है। आप कोई भी बिज़नेस ज्वाइन करते हैं तो उसका एक सक्सेस प्लान होता है इसके। अच्छा, तो ब्रांड पार्टनर गाइड है, ब्रांड पार्टनर गाइड में आपको इसका सक्सेस प्लान बताया गया है, इसके अंदर कहाँ कहाँ काम कर रही है, ये सब कुछ वेलकम टू ओरिफ्लेम, ये सब कुछ लिखा हुआ है। जब आप ये सब कुछ नहीं पढ़ते तो आप इसके अंदर आपको नॉलेज नहीं होती, ये सब आपके पास फिज़िकली होना चाहिए। अब ये देखें, यहाँ पे देखें 0% ब्रांड पार्टनर, 3% ब्रांड पार्टनर, इस तरह ये आगे बढ़ते जा रहा है। मैनेजर की पोस्ट आ जाती है, फिर डायरेक्टर की, फिर उसके बाद आगे जा जाकर ये देखें, ये डायमंड डायरेक्टर, ये इस तरह ये सक्सेस प्लान है ओरिफ्लेम का। और ये इस तरह चलता है, जैसे आप अपने साथ टीम मेकिंग करते हैं उस तरह ये सिस्टम चलता है। जैसे आपने अपने नीचे 5 लोग लगाए, उन लोगों ने 5-5-5 करके इस तरह लोग लगाते हैं और इस तरह आपके पॉइंट्स मल्टीप्लाई होते रहते हैं और उस तरह आप कामयाब होते रहते हैं। आप अकेले इतने सारे लेवल क्रॉस नहीं कर सकते। जिस तरह आपका लेवल्स बढ़ते जाएंगे, आपका प्रॉफिट भी इस तरह बढ़ता जाएगा, आपका कमीशन बढ़ता जाएगा, आप मैनेजर, डायरेक्टर, गोल डायरेक्टर इस तरह की पोस्ट पे जाते हैं। लेकिन हर चीज़ में एक टाइम लगता है, हर चीज़ जल्दी नहीं होती। जब तक आप सीखेंगे नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ते। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, लड़कियां ऐसी करती हैं कि ज्वाइन कर लेती हैं, बहुत सारी लड़कियां टीम ज्वाइन कर लेती हैं, लेकिन उसके बाद क्या करती हैं कि बोलते कि थोड़े दिन काम करते कि नहीं हमसे नहीं होता, कोई सेल नहीं कर, कोई यानी बाय नहीं करता। भाई आप फिर बाय कैसे करेगा? जब तक आप खुद बाय नहीं करोगे तो आपसे कोई कैसे बाय करेगा? जब तक आप उसमें स्विच नहीं करोगे तो आप कैसे, जब आप स्टार्टर किट नहीं लोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि कंपनी के ऑफ़र्स क्या हैं, उसके डील्स क्या हैं, उसके डिस्काउंट क्या हैं और उसका सक्सेस प्लान क्या है? आप ये सब देख सकते हैं। आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो आप कोई क्लाइंट नहीं बना सकते, ना ही आपकी टीम ग्रो कर सकती या ना ही आप टीम बना सकते हैं, ठीक है। सबसे बिजनेस की पहली रिक्वायरमेंट नॉलेज होती है। आपके पास ये सब कुछ होगा तो आपके पास नॉलेज आएगी, ठीक है। जब आपके पास नॉलेज होगी तो आप अपने कस्टमर को प्रॉपर गाइड भी कर सकते हैं, आप अपने क्लाइंट भी बना सकते हैं। और जब आपके पास प्रोडक्ट होगी तो वो ज़्यादा इजी रहेगा, ना कि जब कि आपके पास ना ही कैटलॉग है ना ही आपके पास प्रोडक्ट है तो फिर आप ब्लाइंड बिजनेस करते हैं, मतलब आपको कुछ पता ही नहीं है, तो फिर आप ग्रो कैसे करेंगे इसके अंदर। स्टार्टर किट की वैल्यू ये है कि जब भी आप
ज्वाइन करते हैं कंपनी को, इसको रीड करते हैं तो इसको आप अंडरस्टैंड करते हैं तो इसके साथ फर्दर कनेक्ट होते हैं, ठीक है। फिजिकली भी लोग अट्रैक्ट होते हैं, जैसे अब लेट सपोज मैंने जब ज्वाइन किया था तो मैंने अपने लिए ये प्रोडक्ट मंगवाई थी, ये भी मंगवाया था और ये भी मंगवाया था और एक सॉप भी मंगवाया था जो मेरे किसी रिलेटिव ने मुझसे ले लिया था। जाहिर सी बात है उन्होंने मुझे देखा कि हाँ चलें इन्होंने मंगवाई है, चलें मैं भी यूज़ करके देखती हूँ। जब उन्होंने लाइव रिजल्ट देखे कि हाँ ये मैं वर्क कर रही हूँ और मैं ये यूज़ कर रही हूँ, तो वो भी अट्रैक्ट हुई। फिजिकली लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, ना कि आप ऑनलाइन पे ज़्यादा अट्रैक्ट करवा सकते हैं लोगों को, ठीक है। तो आपसे फिर नहीं बाय करते, पहले आपको खुद बाय करना पड़ता है, आप खुद आप यूज़ करो। जब आप खुद यूज़ करोगे तो आपका कॉन्फिडेंट भी बढ़ता है। आप अच्छा, मैं इन चीज़ों को ज़्यादा इजीली सेल कर सकती हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे पास प्रोडक्ट है, मैं लोगों को टेस्ट करवा सकती हूँ फिज़िकली तौर पे भी, और वैसे भी वीडियो बनाकर भी, कोई रील बनाकर भी मैं टेस्ट करवा सकती हूँ, और मैं पर्सनली यूज़ करके इसका रिव्यू भी दे सकती हूँ, ठीक है। जब तक आप अपना ब्रांड चेंज नहीं करेंगे तो आप अपना कस्टमर को भी सेटिस्फाइड नहीं कर सकते। जैसे शुरू में मैंने यही गलती की थी, जैसे आप सब लोग गलती करते हैं स्टार्ट करने के बाद, हम पिक्चर्स वगैरह लगाना स्टार्ट कर देते हैं, कोई यूज़ नहीं करते प्रोडक्ट, नहीं अब हमारी नॉलेज इतनी होती है, नहीं हमने पूरी ट्रेनिंग ली होती है, तो हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं, आपको नेगेटिव बातें भी करते हैं, बोलते नहीं बहुत एक्सपेंसिव है, आप उनको सेटिस्फाइड नहीं कर सकते। मेरे पास भी, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है, होता भी है, और मैंने उनको बताया कि नहीं बहुत अच्छा ब्रांड है, तो उन्होंने मुझसे यही पूछा कि आपने यूज़ किया, तो फिर मैंने बोला कि नहीं ये गलत बात है, हमने खुद भी यूज़ करना होता है, जब हम खुद यूज़ करेंगे तो हम सामने वाले को सेटिस्फाइड कर सकते हैं ना, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। तो मैंने खुद यूज़ करी और मुझे बहुत अच्छे इसके रिज़ल्ट मिल रहे हैं, और मैं कभी इसके साथ इसका रिव्यू भी इंशाल्लाह बहुत जल्द शेयर करूँगी। और आप इसके अंदर, आप ऑफलाइन सर्कल में भी इस तरह आपको जो कोई देखता है उसमें भी आप यानी प्रोडक्ट आपसे बाय कर सकते हैं लोग, ठीक है। आप पहले अपने अर्थ गिर्द जो भी आपके लोग हैं, रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, आप पहले उन लोगों को अपने प्रोडक्ट दिखाओ, उनको शो करो, अपनी कैटलॉग शो करवाओ, अपना बिजनेस प्लान शो करो, जो इंटरेस्ट होगा वो आपके कस्टमर बनेंगे, जो जो आपके बिजनेस में इंटरेस्ट होगा वो आपके साथ आपके टीम में ज्वाइन होगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका बिजनेस प्लेस में इसकी अर्निंग क्या हो रही है। ये जो आपको एक छोटा सा ये दिखाया है फॉर एग्जांपल के तौर पे, यहाँ पे आपको कितनी अर्निंग हो रही है पर मंथ और पर ईयर के हिसाब से, ये छोटा सा ये दिखाया है जैसे 12% पे, ठीक है। इस तरह आपके लेवल बढ़ते रहेंगे। आपको आपका टारगेट होना चाहिए आपने 21% पे जाना है, ठीक है। आप यानी अब देखें यहाँ पे स्टार्टर किट के अंदर, यहाँ पे एक ये भी स्टेप भी दिखाए में, फर्स्ट स्टेप है क्रेंस का, दूसरा टोनर है, क्रेंसर और टोनर है, सेकंड स्टेप है आईज है, थर्ड स्टेप बूस्ट है, ये सब आपको नॉलेज दी हुई है। अगर आपके पास ये नहीं होगा तो आप किस तरह ये सब कर सकते हैं। ट्रेनिंग में तो आपको सिखाया जाता है लेकिन फिजिकली भी आपके पास ये सब होना चाहिए, ठीक है। ये देखें इनके पास ये ऐप है मोबाइल, ये भी आपके पास होनी चाहिए। जब ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करते हो आप तो उसकी भी ऐप होती है, जैसे ये आप जब ओरिफ्लेम ज्वाइन करते हो तो आप जैसे ही ज्वाइन होते हैं फिर आप ओरिफ्लेम ऐप के ज़रिए अपने कैटलॉग उसके अंदर देख सकते हो, अपने बीपी देख सकते हो, आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हो। ये सारे ऐप बिजनेस के हैं इसके हैं, और ये बहुत ही आपके फ़ायदेमंद होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर आपको ये सब मिल जाएगा। देखें आप जैसे सवालनामे आप किसी को भी ये देते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप इस तरह के जैसे फॉर्म फिल करके हमें बता दें, ये वो भी इस चीज़ से अट्रैक्ट होंगे जो भी आपको फिजिकली तौर पे मिलेगा। ये है आपका कंसल्टेंट नेम, बैंक वगैरह, जैसे आपके कोई कंसल्टेंट है या फिर कोई ब्रांड पार्टनर है किसके साथ काम करना चाह रहे हैं, ये सब उनकी डिटेल्स उसके अंदर आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इस स्टार्टर किट की प्राइस की। स्टार्टर किट की प्राइस इसके 500 अराउंड है। अगर आप बोलेंगे कि हम 500 क्यों दें, तो आपको आप किस आपसे ये किसी भी चीज़ के चार्जेस नहीं हो रहे, ये आपके अपने पर्सनल मतलब आपके फ़ायदे के लिए है। ओरिफ्लेम में इसका, ओरिफ्लेम को इसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं वो आपसे फ़ीस ली जाती है, आपसे 2-2, 2.5-3 हज़ार रुपये या फिर उससे ज़्यादा ही ली जाती है, लेकिन आपको ये और बहुत सारे यानी बिज़नेस के ना कैटलॉग भी दी जाती हैं जिनकी प्राइस बहुत ज़्यादा है, और लेकिन इसके प्राइस बहुत ही कम है, बहुत ही मुनासिब है। अगर आपके पास ये सब होगा
तो ही आप इंशाल्लाह आप आगे बढ़ेंगे। अदरवाइज़ जब आप खुद यूज़ नहीं करेंगे, जब अपना पर्सनल ऑर्डर खुद फर्स्ट ऑर्डर प्लेस नहीं करेंगे, तो आप किस तरह आगे बढ़ सकते हैं। तो मैंने तो स्टार्ट कर लिया है, अब आपकी बारी है, आपकी मर्ज़ी है। अगर आप ये सब खुद अपने पर्सनली के लिए करते हैं तो फिर इंशाल्लाह आप भी ग्रो करेंगे, इंशाल्लाह मैं भी ग्रो करूँगी। और अगर आप नहीं करते, फिर आप ये बोलते हैं कि नहीं हमने सिर्फ सेलिंग करनी है, हमने कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, तो वो आपकी मर्ज़ी, फिर आप ज्वाइन ना करें इस तरह। अगर आपने ज्वाइन करना है तो प्रॉपर तरीके से ज्वाइन करें। अगर आपने मुझसे कोई और सवाल करना है तो मेरे आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपनी इंस्टा आईडी आपको शेयर कर दी है। होप आपको बहुत स्टार्टर किट के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसका बीपी कैसे बनाना है, किस तरह सेलिंग करनी है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगी। अभी वीडियो बहुत लंबी हो गई है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर भी ज़रूर करिएगा, और जो लोग इसमें काम करना चाहते हैं तो उनके लिए बेस्ट ऑफ लक।